दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्रोजन हॉर्स के बारे में। ट्रोजन हॉर्स भी मलवेयर की एक टाइप है। मलवेयर की बाकी टाइप्स में वायरस आ रहा होता है, वॉर्म्स आ रहे होते हैं, और ये तीसरा जो आ रहा होता है ये ट्रोजन हॉर्स है। और इसके अलावा इसके बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स एक वायरस है जो कि एक सॉफ्टवेयर की शक्ल में होता है। आप जब इसको डाउनलोड कर रहे होते हैं तो आपको लग रहा होता है कि एक सॉफ्टवेयर है, जैसे कि आपको ऑनलाइन सॉफ्टवेयर मिल रहे होते हैं कि आपके लैपटॉप की या कंप्यूटर्स की स्पीड को बूस्ट करने के लिए। इसके अलावा आपके जंक फाइल्स को रिमूव करने के लिए सॉफ्टवेयर ऑनलाइन मिल रहे होते हैं। तो उनमें से बहुत सारे ट्रोजन हॉर्स होते हैं, मतलब वो हमें ऐसे लग रहे हो जैसे कि एक सॉफ्टवेयर है, एक हमारे लिए कारामद सॉफ्टवेयर है। लेकिन जब हम उसको इंस्टॉल करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपना काम दिखाता है, हमारे सिस्टम को हैंग कर देता है या हमारे सिस्टम की स्पीड को कम कर देता है। अब इसका नाम ट्रोजन हॉर्स जो पड़ा है, इसके पीछे एक कहानी है। जब ग्रीस ने ट्रॉय शहर पर हमला किया तो उन्होंने बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा इस्तेमाल किया था। अब उस घोड़े की वजह से इसका नाम ट्रोजन हॉर्स पड़ा है। उस घोड़े की भी यही खासियत है कि जो ग्रीक्स थे उन्होंने अपने फौजी छुपाए हुए थे बहुत बड़े लकड़ी के घोड़े में, और उन्होंने वो घोड़ा ट्रॉय शहर में एंटर किया। अब जो ट्रॉय शहर वाले थे वो इसको तोहफा समझ रहे थे कि बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा है, खूबसूरत तरीके से बना हुआ है, लेकिन उसके अंदर फौजी छुपे हुए थे, उन्होंने शहर पर हमला कर दिया। इस तरह जो ट्रोजन हॉर्स होता है ये लग रहा होता है हमें एक सॉफ्टवेयर, लेकिन इसके अंदर वायरस होता है। ये हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर्स के नुकसान से साबित होता है। अब ऑनलाइन मलिशियस वेबसाइट पर हमें बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं जो कह रहे होते हैं, उनके साथ लिखा होता है कि सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें और आपके लैपटॉप की स्पीड जो बढ़ जाएगी, जो पहले ने जिक्र किया है इसका। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। आप अपने सॉफ्टवेयर जो है वो हमेशा एक लीगल और जो ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं उनसे ही डाउनलोड करें। इसके अलावा जो वेबसाइट्स मुख्तलिफ किस्म की अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर जो लीगल नहीं है या आपको ट्रस्टेड नजर नहीं आती, उनसे आप डाउनलोड ना करें। फाइल हिपो या फिर इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो लीगल हैं और आपको उन पर ट्रस्ट होता है, आपको पता होता है कि इनकी जो सॉफ्टवेयर है ये आपके लिए ठीक है। लेकिन ऑनलाइन कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जिस पर बहुत सारे लिंक अवेलेबल होते हैं, मुख्तलिफ पॉपअप आपके सामने आ रहे होते हैं जो आपको कह रहे होते हैं कि इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करो, इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करो। उन पर कभी आप ट्रस्ट ना कीजिए, ऐसे सॉफ्टवेयर को भी आप इंस्टॉल ना करें। इस तरह आप ट्रोजन हॉर्स से और बाकी मलवेयर जो है मुख्तलिफ किस्म के उनसे बच सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं जाना ट्रोजन हॉर्स के बारे में। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।